ना कैन मंगवाई थी, काफी बड़ी थी वो वैक्स की कैन थी, बहुत अच्छी थी, मेकिंग वाली थी वो। मुझे डुबके मर गया, डुबके मर गया कसम से, खोली भी नहीं मैंने ना वो, बिल्कुल बड़ी जार थी वो। तुम अंदर बैठो, मैं बस थोड़ा सा काम खत्म कर लूँ तो फिर मिलती हूँ मैं फ्रेंड आपसे। हूँ भाई भी खानी पिज्जा खाधा सी ना दवाई खाओ तुम भी दवाई। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरान भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे, जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक की परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदरुस्ती और शफा दे, जो लोग बे औलाद अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे, जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे, अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान हैं अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे, जो लोग बच्चियों और बच्चों के रिश्तों से परेशान हैं अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे, आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत और फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी आल फैमिली के लिए लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबको खुश आबाद हंसा और मुस्कुराता रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। माशाल्लाह जी बहुत प्यारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारी दुआएँ होती हैं और सबने दुआ की है बच्चों के लिए, लगभग बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती और शफा दे, आमीन। आपकी सारी दुआओं पे आमीन। रेहान अजान सुबहान तीनों ने ठीक, और कामरा का भी बुखार हो गया, देखिए कामरा पानी पी रहे हैं तो बुखार था इतना तेज़, मैंने कहा ज़्यादा नहाए धोए फ्रेश होए, बुखार थोड़ा सा कम हो, रात को बहुत तेज़ बुखार था, फिर मैंने पट्टी वगैरह की काफ़ी ज़्यादा, तो मेडिसिन वगैरह लाए, डॉक्टर से चेकअप करवाया, हम गए थे हम बाइक पर तो कामरा ने ही बाइक चलाई थी, फिर मैंने इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग ख़त्म कर देते हैं, फिर कामरा ने फिर गए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, मेडिसिन नहीं ताकत है मेरे, बुखार भी धंधा गया था। हाँ लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी था ना, मैंने कहा था कि जाना ही नहीं मान रहे थे ना, तो मेडिसिन खाई है, कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन ये कि बुखार अभी भी है, तो अल्लाह पाक से तंदरुस्ती दे, अल्लाह पाक नहीं क्या हो गया सभी चारे की कहने प्यो पुत्रा बनकी हो गया बद घट नाली प्यो पुत्रा कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। खांसी तो मैं कह रही थी ये चारों ही चार के चार ही, मैं क्या व्लॉग बनाऊँ वहाँ पे, मैं क्या बात करूँ, एक को खांसी, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, माशा चारों को खांसी स्टार्ट होगी, मैं क्या अल्लाह ख्याल करे। कल्ली दूर बच घेरी गई सी चारे जने खांसी करते हुए आसवा कहनी मैं करागी, मैं किन्ने किन्नू पानी गर्म करके दा, बाप दा, न्यूप्लेजर दा, की करा मेडिसन दा, सीरम शरबत पिलाऊँ खांसी का, सबको अल्लाह तला की मेडिसन है, सबको अल्लाह तला मेडिसन दूँ, तो मैंने कहा ये क्या मुन्ना भाई रात को आया, फर्स्ट टाइम ऐसा कभी होया नहीं, मुन्ना भाई रात को आया, हाँ फर्स्ट टाइम मुन्ना भाई रात को आया, तो कहें भाजी तू ही बची दी है क्या, मैं ही बची, मैं ही बची हूँ, तो अल्लाह पाक मुझे बच्चा ही रखे, अगर मुझे मसला बन गया था उनका, इनको इनको किसने पूछना है, तो बस यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ चाय और अपनी प्यारी फैमिली के लिए, मैं और कामरा ने चाय पीनी है, आज जान के था मैंने चाय नहीं पीनी, तो मेरे पास दूध था मलाई वाला, तो मैंने इसके अंदर ही पत्ती डाल दी, बड़ी सी पतीली में, मैंने कहा चलो साथ में पतीली भी वॉश हो जाएगी, मिल्क भी आने वाला होगा, तो बाद में इसमें बच्चे डाल लेंगे, तो बस अपना नाश्ता वगैरह बना रहे हैं, मैं तो हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, और बच्चे कुछ नहीं मान रहे, कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, चाय भी नहीं पीनी, दूध भी नहीं पीना, और जूस मंगवाया हुआ है वो कहते हैं जूस भी नहीं पीना, फिर मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, फिर जब आपका दिल करेगा तो वो आप पी लीजिए, फ्रूट भी रखे हुए थे, सेब वगैरह फ्रिज में रखे हैं, और मैंने कहा कि किन्नो है, बनाना है, जो आपका दिल करे वो खाए, बच्चे कुछ नहीं मानते, कहते कि दिल ही नहीं करता, कुछ भी नहीं खा रहे, फिर मैं खुद जा रहा क्या करना, पूछ पूछ के मैं भी थक गई हूँ, मैंने कहा मैंने जाना भी है, तो जब आपका दिल करेगा तो आप खा लेना, चलो यहाँ पे हम चाय पीते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, चाय में जान पानी थोड़ा घट रखो, हूँ पाँच पी लो चाय पी लो, प्यास लगी है, बुखार ना प्यास लगती है ना, चलो कोई मैं ठंडा पानी पीना था, गर्म ही पी लेने हैं, हाँ जी नहीं नहीं अच्छी बात है, गर्म सही है, आपके लिए खांसी जो हो रही है, आज नहीं खांसी करनी, ठीक है ठीक है, हाँ जी चाय देखें कितनी ज़बरदस्त बन गई है, और मेरी शहजादी ताई नारिया बाबर कहती है अभी मेरे कप में चाय डाल दो, मैं सदके जाऊँ, आप जब भी आना तो आप आना, मैं आपको अपने हाथों से बना के बुलाऊँगी, शहजादी पड़ी जान, और मेरी जो तानिया समान है वो भी मेरी चाय बहुत पसंद करती है, प्यारी शहजादी जैसे यहाँ के कप में ना थोड़ी चाय डालेंगे, पीता नहीं है वो, छान लेती ना उसके साथ, क्योंकि यहाँ के कप में पत्ती आ गई ना तो उसने वैसे भी नहीं पीनी, उसके छान लेते हैं, तो बाकी हम अपनी छानते नहीं हैं क्योंकि दूध था मलाई शलाई वाला, इसलिए मेरी चाय तो हो गई है डन, तो यहाँ मेरी चाय रेडी है हमारी,
चाय बनाई है काके की चाय बड़ी मजे की बनी है। उसके अंदर ना वो नहीं, मैंने डाली पत्ती पत्ती में इसकी छान के बनाई है हमारी, जो है ना वो छानने के बगैर है। बाद में जूस पीना या पहले पीना है? बाद में पिएगा, पहले चाय। चल ठीक है, चल चल। ये बेकरी का सामान ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि बच्चे ठीक नहीं है, रस भी नहीं खाए जा रहे इनसे ना, और मतलब कि ना दो पैकेट रस के हैं वो भी नहीं ख़त्म हो रहे, केक रस है वो भी नहीं ख़त्म हो रहे क्योंकि बच्चे नहीं खा रहे, फिर हम भी नहीं खाते, हमारा दिल भी नहीं करता कुछ खाने को। फिर मैं भी क्या करती हूँ, मैं भी आराम से पकड़ती हूँ चाय और मैं चाय पी लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं खाते तो फिर नहीं तो ना से फिर मैं भी चाय पी लेती हूँ। मज़ेदार है, चलो बेटा ले लो माँ सक के चाय, मेरा प्यारा पोला है। अरे जजी आ जाना, कहना मम्मा जजी आ जा, जजी जजी आ जाना, हाँ लेट हो रहे ना मम्मा। कामरान को भी हुआ है बुखार, कामरान मुझे छोड़ के फिर आ जाना। हाँ जी आप छोड़ के आ जाना, मैं नहीं नहीं मैं घर भेज देना, कामरान मैं घर भेज देना, कोई बात नहीं मैं अकेली मैनेज कर लूँगी। बड़े कल आते बड़ा कमजोर हो रहा, कमजोर बुखार ना गड्डी इधर तो जान रही है जी। फ्रेंड फाइनली हम अपने सलून पहुंच गए हैं जी। तो जी फ्रेंड यहाँ पे आई है अमीना खान पसरूर से जी, मैं इनको स्पेशली पसरूर से मिलने आई हूँ और मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। लास्ट टाइम भी मैं आई थी तो मैंने इधर आना था, मुझे नहीं टाइम मिला। थैंक यू। तो अभी मैं स्पेशली आई हूँ, बाजार आई हुई थी इनसे मिलने आई हूँ। और माशाल्लाह की छोटी सिस्टर भी है मीरब जी, मीरब खान, मीरब खान है और वो बहुत प्यारी बच्ची है और कहती है कि आपने मेरा नाम भी लेना है मीरब खान मेरी प्यारी बच्ची। अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और बादशाह और मुस्कुराता रखे। तो थैंक यू मीरब, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का और मोहब्बत का। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू थैंक यू। माशाल्लाह जी दोनों बहनें आई हुई हैं, माशाल्लाह हमारे भी लोग देखती हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं और कहती क्या भी मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ, कोई मिस नहीं करती, और आज मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए आई हूँ। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने? अमीना खान और मीरब दोनों बहनें हैं माशाल्लाह, और थैंक यू, ये आपकी मोहब्बत है और आपका प्यार है, लव यू आपके लिए बहुत सारा। तो जी फ्रेंड यहाँ पर मैं कमेंट पा रही थी शाइनिंग स्टार का, मेरी प्यारी बहन का कमेंट आ रहा था कि अम्मी की वो बात कर रही थी उनकी अम्मी दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक को जन्नत में अला मुकाम अता फरमाए। तो मेरी प्यारी बहन मैं मुझे भी अपनी मम्मा जैसी ही समझो, और मेरी प्यारी बेटी अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आपको दुनिया की हर खुशी दे और आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आमीन। और आप अपनी अम्मी को जन्नत में अला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और बहुत अच्छा लगता है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं मेरे लिए, दुआ करती हैं, खुश होती हैं हमें देख के, और बहुत शुक्रिया, ये आपका ही आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है मेरे लिए, जो बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू। और तानिया उस्मान का कमेंट आ रहा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त लोग, थैंक यू तानिया उस्मान मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपको खुश और बादशाह मुस्कुराता रखे। रानी कमरान मेरी प्यारी बहन का कमेंट आ रहा जी, माशाल्लाह जी अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और बादशाह मुस्कुराता रखे, बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती और शिफा दे, आमीन। बस बच्चे कामरान ठीक नहीं है, कामरान दूसरी शॉप पे गए थे, वो कह रहे थे मुझे भी उनकी कॉल आई है, वो कह रहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने घर जाना है, तो फिर मैंने कहा चले देख लें, अगर तबीयत ठीक नहीं तो फिर आप चले जाए। तो ज़रा मैं तो यहाँ पे काम, तो मुझे तो काम है यहाँ पे ना सलोन में भी, तो मैं बस मैंने कहा आप चले जाएँ, आप रेस्ट करें जाकर, इंशाल्लाह पाक बेहतर करेगा, मेडिसिन खाएँगे रेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह पाक बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मुझे कमेंट आया जी बुशरा दौरान के, अल्लाह पाक बच्चों को सेहत हो तंदुरुस्ती थी आमीन, और कमरा भाई ने शॉल बहुत अच्छे से सेट कर दी, रफू कर दिया जिन्होंने ना, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है और बहुत अच्छे आपके भी लोग होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश और बादशाह और मुस्कुराता रखे, और बच्चों का पूरा ध्यान रखें। हाँ मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों को जुकाम बुखार हो रहा है, और उमा चौधरी का कमेंट आया था मेरा बड़ा बेटा ठीक नहीं है, तो बच्चे बस इस तरह मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों को बुखार हो गया, तो मैं अभी अपने बच्चों के लिए सूप बनाने वाली हूँ। अल्लाह पाक आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती
और शफा दे उज़मा चौधरी मेरी प्यारी बहन है, अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी उनकी लंबी उम्र करे, उन आपका साया आपके बच्चों पर सलामत रखे, आमीन, थैंक यू। और यहाँ पे कमेंट आया मेरी प्यारी बुशरा का, बच्चों का क्या हाल है, बच्चों की तबीयत बस ऐसे ही है, सबको खांसी हो रही है, कामरन का भी बुखार हो गया, और अल्लाह पाक को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और प्यारी बुशरा ने बोला कि कल का जो ड्रेस है ना बहुत ही प्यारा लग रहा था, थैंक यू बुशरा को, तो मेरी हर ड्रेस बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही कुछ बहुत अच्छा और मुस्कुराता रखे। प्यारी बहन के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और बहुत सारा प्यार होता है। नादी बाबर मेरी प्यारी बहन ने बोला होगा जी, उम्मा मेरी प्यारी आपकी शहजादी, अल्लाह पाक सबको सेहत दे, मेरे भाई को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन जी। आपकी दुआएँ हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक फितर करेगा। और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है ना, सभी जो परेशान है। और मरियम का भी कमेंट आया था, मुझे भी डेंगू हुआ था और मैं बहुत प्रॉब्लम थी मुझे हुई, तो बस आप बच्चों का ध्यान रखें, इनको जूस वगैरह पिलाएं इंशाल्लाह जी, प्रॉपर उनका ख्याल कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, उनका ख्याल भी कर रहे हैं। और यहाँ को तो नींद ही बड़ी आती है, वो होश ही नहीं करता, फिर उसको जूस वगैरह पिलाया है वहाँ से, वो चाहे तो वो पी नहीं रहे ना, तो लिक्विड वाली चीज़ें ही पी रहे हैं। चले अल्लाह ख्याल करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक अच्छा ही करेगा। और बस आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है हमारे लिए जो कि आप करते हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगता है। गुड़िया कामरान मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती और शफा दे, आमीन। और अतिया मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और बारस्ता मुस्कुराता रखे, अल्लाह पाक आपकी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती और शफा दे, आमीन। अल्लाह पाक आपकी अम्मी को जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, अल्लाह पाक वो दूर कर दे, और जल्दी से आपकी अम्मी जल्दी जल्दी सेहत याब हो जाए, आमीन, थैंक यू। लैबा मेरी प्यारी बहन ने बोला हुआ माशाल्लाह, सोना जट भाई ने बोला हुआ अल्लाह पाक बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती और शफा दे, आमीन। सोना जट भाई थैंक यू। अपसना आपी ने मेरी प्यारी बहन ने बहुत सारी दुआएं की हुई हैं, बहुत सारा प्यार दिया हुआ है, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश आबादस्ता मुस्कुराता रखे, आमीन, थैंक यू जी। मेरी प्यारी फैमिली ने बड़े प्यारे कमेंट्स किए हुए हैं, फैमिली प्यारी प्यारी ने स्वीट डोर मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपको भी खुश आबाद रखे माशाल्लाह, आपकी दुआएँ, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और अनिका का कमेंट आया था, अब कहता उसने कॉल भी की हुई थी, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश और बादस्ता मुस्कुराता रखे, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आमीन। यहाँ पे कमेंट आ जी आमना अजीम का, बच्चों को जो शानदार दे शहर डाल के, और बच्चों को बस ये आपकी दुआएं, आपकी प्यार है, बस अल्लाह खैर करे, जो 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 बताता वो सब कर रहे हैं, लेकिन ये कि बच्चे जो है ना गर्म पानी तो पीते नहीं हैं, जूस पी लेते हैं, तो कोशिश करती हूँ कि कुछ गर्म पानी पिए, जो शानदार पिए, इस तरह की चीज़ें पिए, बाकी ये कि इंशाल्लाह जी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है माशाल्लाह, हर कोई हमें बता रहा है बच्चों के लिए, अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखा मुस्कुराता रखा। यहाँ मुझे कमेंट आ जो रेप का, मेरी प्यारी सिस्टर ने बोला कि आप यहाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरा दिल करता है कि मैं आपसे बात करूँ, तो मुझे अपना नंबर, आपका नंबर चाहिए। तो मेरी प्यारी शहजादी, अगर आपने मुझसे बात करनी है, इंस्टा आईडी है आसिफा कामरान, आप मेरे से बात कर सकती हैं इंस्टा पे, इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगी। मेरी प्यारी बहन है, प्यारी सिस्टर है, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखे और मुस्कुराता रखे, थैंक यू। अनम अजीम थैंक यू मेरी प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है। और साइशा अजीम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती और शफा दे, थैंक यू जी। अब्दुल्ला चौधरी आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके मोहब्बत का और प्यार का। और सना तैयब मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश आबाद रखता मुस्कुराता रखे और माशाल्लाह से। और रानिया कामरान का कमेंट आवा जी, अल्लाह पाक बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती और शफा दे, आमीन जी। आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है। सुंदर साजिद का भी कमेंट आवा था, अल्लाह पाक बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। और मेरी स्वीट डोल का भी कमेंट आवा था, अल्लाह पाक बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और माँ बाप का साया बच्चों के सर पर सलामत रखे, आमीन जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है माशाल्लाह। हमारे लिए जो इतने इतने प्यारे कमेंट्स हैं, इतनी सारी दुआएँ हैं, और जिसका नाम नहीं लेती तो उनके लिए माजरत है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबके नाम लूँ, क्योंकि सब भी मेरे लिए दुआ करते हैं, बच्चों के लिए दुआ करते हैं, खुश होते हैं। और शादी समय मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपके नसीब बच्चे करे, अल्लाह पाक आपको दुनिया की हर खुशी दे, अल्लाह पाक हमेशा खुश आबाद रखता और मुस्कुराता रखे, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है, आमीन। अदील मेहर थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपका प्यार का। और माशाल्लाह से किसका नाम था जी, और गुड़िया कामरान का, हाँ गुड़िया कामरान का कमेंट भी आया था, अभी मैं काफ़ी दिनों से बीमार थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको शफा दे, अल्लाह पाक आपको प्यारी सी उल्लास से नवाजे इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप मेरी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बहन है।
अरफान गुजर का कमेंट है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शफा दे, आमीन इंशाल्लाह जी। आपकी दुआएं इंशाल्लाह बच्चे जल्दी से ठीक हो जाएंगे, थैंक यू। और डेब खोकर का कमेंट है, अल्लाह पाक आपको बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे और माँ बाप का सारे बच्चों के सर पर सलामत रखे, आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी फैमिली का। यहाँ पे जी कमेंट आया था जी, इमो जैजे का कमेंट आया था मेरी प्यारी सिस्टर का, वो कह रही है कि भी अपे अभी बालों का हेयर स्टाइल चेंज किया करें, कभी वैक्यूमिंग किया करें, कभी हाई टेल किया करें, कभी इस तरह पीछे कैच लगा लिया करें। तो मेरी प्यारी सिस्टर जो खुले बाल हैं ना वो कामना को अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं खुले रहने देती हूँ। तो बाकी थैंक यू जी आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपके कहने पर मैंने पीछे से कैच लगा लिया और थोड़ा सा ऊपर करके लगा लिया, थोड़ी देर बाद मैंने खोल लेना जैसे आप देखे आपके कहने पर लगाया। और माशाल्लाह थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है। अपना नाम भी बताया करें ना मुझे, फिर अच्छा लगता है कि मुझे पता हो गया आपने कमेंट किया है, मैं आपका नाम भी लूँ। बाकी बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कमेंट आया जी लीटर शाइन का, आप ही बच्चों को हनी दें, शहद दें गर्म पानी में, जुशांदे में। जी मेरी प्यारी बहन थी को गया शहजादी, अल्लाह पाक आपको खुश बहुत रस्ता और मुस्कराता रखे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और शादिया साजिद का कमेंट आया, अल्लाह पाक बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे, आमीन। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत की, आपका प्यार का, थैंक यू। अबू बकर वहीद का यहाँ पे मुझे कमेंट आया कि आप ही बच्चों को अनार का जूस बना के दें और साथ में एप्पल का जूस बना के दें, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो गया जी। सर मैं अनार भी लेके आई हूँ, अनार का जूस भी बनाया है, और मतलब कि अजान जो है ना, मतलब कि दूसरा वो मैंगो वाला जो है ना वो पीता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो जो भी अच्छा लगता है आप पिए ज़रूर। बाकी बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद जी, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है, इंशाल्लाह आपको जो जो अच्छा लगता है ना मुझे पता है, मैं वही करूँगी जो मेरी फैमिली मुझे बताती है ना, मुझे गाइडेंस देती है, मैं इंशाल्लाह वही करूँगी इंशाल्लाह। सैमा रानी का कमेंट आया जी, लव यू मेरी ऑल फैमिली, थैंक यू जी सैमा रानी, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, माशाल्लाह थैंक यू सो मच आपके प्यारे से कमेंट्स का। यहाँ पे कमेंट आया जी सादिया फैसल का, सादिया फैसल ने कहा कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, कमाल की होती है, थैंक यू जी सादिया फैसल, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। और मोहब्बत हसन ने कमेंट किया हुआ जी, आपकी ना तवा बोटी बना के दें रेसिपी उसकी, और गुड़ वाले चावल जी, इंशाल्लाह ज़रूर मैं ज़रूर बनाऊँगी, तवा बोटी बनाएंगे इंशाल्लाह, आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। कमेंट आया था मरियम बीबी का, मेरी प्यारी बहन का, आसिफा कुकिंग रेसिपीज़ में माशाल्लाह बहुत प्यार करती है और बहुत दुआएं करती है, और उसने मुझे बोला कि आप अगर आप ही आपको इशू है ना किडनी का, तो आप ना इस्लामाबाद जाएं, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ पे जाकर चेकअप करवाएं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने टेस्ट भी करवाने हैं और मैंने जाना भी है लाहौर चेकअप के लिए, तो इंशाल्लाह जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस्लामाबाद भी ज़रूर आऊँगी, वहाँ पर वहाँ से भी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाऊँगी। मरियम बीबी आपके प्यार का और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उज़मा चौधरी का कमेंट आया जी, वेरी यमी पुलाव, थैंक यू उज़मा चौधरी, आपके प्यार का और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। शुमैला तारे का कमेंट आया जी, माशाल्लाह आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, ये कमेंट रेसिपीज में आया था तो मैंने ना कमेंट कामरा मांग लिया, मैंने ये कमेंट पढ़ा था शुमैला का, शुमैला अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और बहुत अस्ता मुस्कराता रखे, इसी तरह मेरी प्यारी प्यारी रेसिपी देखते रहे और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहे। हाय मैं सदके जावा, मैं वारी जावा, मैं कितने कितने जावा, कितने नहीं जाना, थे कार चलो कार है ना, बुढ़े नहीं हो गया, बुखार हो गया और कुछ नहीं हो गया, बुढ़ापा भी फिर कूट कूट के आंदा बाहर। अच्छा सही लग रही है, मैं कैचर पुनी लाके खुले सही लग रही है, मैं तेरा गौर ना देखे नहीं मुझे देखे नहीं। एक मेरी प्यारी सिस्टर का कमेंट थी कि अभी हाई पोनी किया करें तेल, फिर यहाँ बैकोबिन बनाया करें, फिर मैंने आरजी बनाया, मैं कामरों का खोले बाल पसंद है तो इसलिए फिर मैं खोले ही रखती, मैं कहीं खोले ही छोड़ो, मुझे थोड़े दिन महसूस हो ये ज्यादा ज्यादा पर मैं पर आके खुले सही है वैसे लगाया, मैंने कहा थोड़ी देर दिन लगाया, ये पता कामरा नहीं आने से पहले ना मैंने उतार देना था, फिर ये आप उतार लूँगी, कामरा आ गया ठीक नहीं है, दुआ करें कामरा जल्दी से ठीक हो जाए, दुआ वो ना नाती पापा कहती है रोज एक अच्छा सा सौंग हो जाए, तो फिर कल मैंने सुनाया था ना सही तो वही गया नहीं, फिर मैं कह रहा मैं कर सौंग मैं कहीं होगी कहने सिंगर चलो फिर अच्छा सौंग याद रखो जल्दी सुनाओ चलो। यहाँ पे जी कामरा साहब सॉन्ग सुनाने वाले हैं,
तो मैंने कहा चलो दीदी नाम सॉन्ग सुनाते हैं, हम सॉन्ग सुनते हैं कि क्या सुनाने वाले हैं। ओ दिल ये जब लग जाता है फिर तो जिया नहीं जाता है, सामने जब तुम आ जाते हो फिर तो कुछ नजर नहीं आता है। क्या बात है बाजी, तू ही नहीं बोला मैं मेरे रहन दो सी, मेरी कितनी सी रेली आवाज है साडी लगी सी रेली। क्या बात है जी, जनाब कामरा ने सॉन्ग तो सुना दिया है, जिन तो मेरी वाली आई ना इसे ना लग जी तो मुझे कोई आएगा थे। मैं तुम सॉन्ग सुना दे, दिल ये जब लग जाता है जिया तो फिर नहीं जाता है। जानू गल है कि तू ही मेरे थोड़े बोल बोल लिया कर ना, तो सारे साढ़े भैन भाई पता लग जाएगा, आसपास भी उन्हें प्यार करते जिन्ना मैं करना। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ना, तो सारे नहीं प्यार है तुम मेरे प्यार भी इकरार कर। मेरी गल सुनो, जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, जितने भी भैन भाई है, सभी ने दसना है लाजमी कमेंट्स करना है, आसपास मैं ज़्यादा प्यार करती है कि मैं आसपास करना है, यह पक्की गल है, यह कमेंट्स लाजमी करना और दसना है, और तुम दसना है, और दसना एक नाम है कामरान ठीक है मेरी प्यारी फैमिली, जो कहेगी इस सारे अंकों पे हुक्म है हमारा आपका। वैसे तू दस दस, तू मुझे ज्यादा प्यार करनी है मैं तनु, मैं तो करती मैं तनु ज्यादा प्यार करना हूं, तुसी की कहंदे मैं की करके दसा। नहीं नहीं मैं वैसे तनु ज्यादा प्यार करना, प्यार तो मैं करती हूं और तनु मैं चुंडियां पोड़नी है तनु, मैं सारे नु तनु खास करके चुंडियां नहीं क्या। प्यार तो प्यार ही होता है ना, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तेरी वफा मेरा मेरी वफा तेरा सितम इकरार होगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। क्या बात है वाजी वाह, मुझे दिल्ली ने मैं चीर सकती है, खरबूजा चीर सकनी हाँ, दवाना तरबूज मैंगो की कहते हैं अनार फ्रूट चीर सकते हैं, तुम चीर सकते हैं। तुम कई बार कह मैं तुम चीज दांगी जी, अगर तुम मैं पहले पहले कहती रही सी कि मैं ना ओ जो आसवा मचोर नहीं सी है, तो आसवा मैं दुकान पर जाना तो मैं किसी नाल हंस के गल करनी, कहने तू हंस के गल क्यों करना है, मैं कहना मेरा मुँह ही हसन वाला है। बाजार में हूँ, काम शाम करती हूँ, सैलून है मेरा शॉप है, सब कुछ खुद मैनेज करती हूँ, कई दफा कामरा नहीं होते, अभी वो कामरा मैंने कहा था आप चले जाए कोई मसला नहीं है मैं मैनेज कर लूंगी, तो मैं माशाल्लाह करती भी हूँ, ये कामरा को पता है प्रॉपर बुखार फैमिली कद मगर ऐसी अपनी हसी खुशी दसना चाहने वो फिर सारा जिंदगी का हिस्सा, मगर है कि तो दूर हो गए असि कहने के असि अपने मैं कुछ बना नहीं रही, रेसिपी नहीं बना रही कि क्या बनाऊं, अगर बनाती हूँ तो वो खाते नहीं है, बनाना है। खाना वगैरह नहीं खा रहे बच्चे, तो मैं कह रही हूँ इनको कुछ मजेदार सा बना कर दूंगी, मजेदार खाएं कुछ तो खाएंगे तो थोड़े बहुत तो खाएंगे, तो खाते तो है नहीं। ये तो भी मैंने कल ही मंगवाई है, कैसे गई चूहे ले गया साथ में, डब्बी भी ला गया, डब्बी भी वो मीठी है ना, वो मीठा होता है ना डब्बी, देखें उसके अंदर डब्बी भी लेके चला गया, दो मंगवाई थी एक यूज़ हो गई थी ना, तो एक ये है तो ये डब्बी भी साथ ही ले जाता है। यहाँ पे ना एक मैंने ना कैन मंगवाई थी, काफ़ी बड़ी थी वो वैक्स की कैन थी, बहुत अच्छी थी, मेकिंग वाली थी, वो डुबके मर गया, डुबके मर गया कसम से, खोली भी नहीं मैंने ना, वो बिल्कुल बड़ी जार थी, वो बाल्टी सी बनी हुई थी, बड़ा सा जार था, तो वो मैंने यूज़ नहीं की अभी,
तो मैंने कहा चलो मतलब कि ना वो यूज़ करेंगे, अच्छी थी वो चीज़ ना, वो पहले मैंने यूज़ की हुई थी, पहले न्यू दो बाल्टी लेके आई थी, एक के तो अंदर मैंने खोली भी नहीं सील, उसके अंदर खोल खोल के ना, तो जिस दिन सैचन डे थे ना हफ्ते वाले दिन, तो रात को हम चले गए थे, सुबह संडे था, तो मंडे को फिर हम जब आए ना सलोन में, तो चूहा ना उसके अंदर गिर के ना डूब के मर गया हुआ था, कमीना कहीं का सारी जो वैक्स है वो सारी ख़राब कर दी। ये तो हिसाब है इसका। कमरा साहब बैठ गए शहजादे मेरे। अच्छा जी इतने रखो थोड़ा जिन्हें सिर, इतने रखो थोड़ा जिन्हें सिर, ऐसे बात नहीं तो सुकून हो जाएगा था। शायद फैमिली के कमेंट्स पढ़ लेने थोड़े थोड़े। यहाँ पे जी कामरा को थोड़ी सी सर की मसाज कर देते हैं जब तक मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है। तो मैं तो कह रही थी मैं सोच रही थी मैं किसी ने अपना फेशियल लूँ, काफ़ी देर हो गया फेशियल नहीं करवाया ना, तो फेशियल करवाऊँगी तो कामरा से करवाऊँगी, प्यारा सा फेशियल कामरा करेंगे। आता करना जी चीज़ नहीं आती कामरा, हेयर कटिंग कर लेते हैं, फेशियल कर लेते हैं, तो मैं करवाऊँगी किसी दिन ना प्यारा सा फेशियल, मेडिकेटेड ना वाइटनिंग भी, स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाएगी ना। आज की कटिंग सोनी जी करनी है, मैं और क्या कटिंग करनी है कामरा ने, मेरी ही उन्होंने शहजादे ने मेरी कटिंग करनी है। कलर मैं करन नहीं देता आसपास, क्योंकि नेचुरली बड़े खूबसूरत कलर है आसपास वाला ना, जिसरी भी ड्रेस पहनती है ना उसके वांग सूट कर। अभी अभी तक ना अभी तक मेरे बालों में ना वाइट बाल नहीं आए, एक दो आ गए हैं वैसे। हाँ, एक दो वाइट बाल ना आ गए हैं सेंटर से ना, दिमाग में से आ गए, सोच रही थी पता नहीं, खैर है आने दे उन्हें आके की करना है, तो बाल वो अच्छे भी लगते हैं वाइट बाल जो आ जाए। तो बाकी ये है कि मेरे दो बाल आ गए हैं, तो कोई बात जाना, चलो एक दो कस्टमर है उनकी कॉल आई, उन्होंने आना सिर्फ उनका काम थोड़ा बहुत करना फिर चले जाएंगे। अच्छा। बस मैं उनका वेट कर रही हूँ, तो फिर चलते हैं। ठीक है तो जी फ्रेंड, कामरा का बहुत तेज़ बुखार हो गया, सर्दी लग रही है, तो कामरा ने पहन लिए ग्लव्स। हाँ नहीं ठीक नहीं है, तो चले मैं ना हम घर चलते हैं, तो जो भी है इंशाल्लाह एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर करेंगे, और बच्चों को भी जाके देखती हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ वैसे भी यहाँ पे ना, तो बाकी अब हो गई हूँ फ्री, तो अब चलते हैं जनाब घर जाके हम करेंगे इंशाल्लाह जो भी बात होगी आपके साथ। जी मैं यहाँ पे आ गई हूँ घर, और इनको लगी है भूख, पिद्दू को तो बड़ी भूख लगी हुई है, ये ले इधर आ। हाँ चलो, इनको लगी हुई थी भूख, इनको दिए बिस्किट। अब मैं आ गई हूँ घर, और मिलक मुझे पड़ा हुआ है, तो दूसरी प्लीज होने वाली है। चलो जी मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, और जरा आप अंदर चले जाए आराम से, कौन से रेस्ट करें, फिर बुखार हो गया। चलो तुम इतने अंदर बैठो, मैं बस थोड़ा सा काम खत्म कर लूँ, तो फिर मिलती हूँ मैं फ्रेंड रात से। यहाँ पे जी मैंने ना कहा मिलक, और यहाँ पे मैंने नाती हूँ कावा, इनको हो रही है खांसी, तो उनके लिए थोड़ा सा कावा बना लेती हूँ, उसके अंदर खांसी डाल लेती हूँ, छोटी इलायची सी इलायची भी डाल दें उसके अंदर, वो काट के ना उनके लिए ना ज़बरदस्त कावा बनाती हूँ। ये देखिए जी मैं आ गई हूँ रूम में, सुबाना क्या हुआ बेटा, सर्दी लग रही है, तो मेडिसिन नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया सुबह का, खिलाफ है कुछ खाना, क्या क्या खाना बता, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा देखो खाने का बहुत मन कर रहा है, एक वो चीज़ मांगते हैं कि जो नहीं देनी, मैंने बाहर आप मैंने पहले कहवा बनाया है, पहले कुछ दूध पीना है, दूध पिया नहीं सुबह का, दूध पिया लेकिन मन नहीं कर रहा, बुखार है, चलो इसको बहुत तेज बुखार है, उधर जाके देखा दूसरे रूम में, ये यहाँ पे लेटा हुआ है, दूसरे रूम में लेटा हुआ है, इधर लेटा हुआ है रेहान, रेहान यहाँ पे कामरा साहब लेट गए हैं, अयान यहाँ बैठा हुआ है, पापा ही देखो कोई आया, ये मैंने ना बाहर से ना बाजार से घोड़ मंगवाया, यहाँ पे ना हमारे बड़ा खालिस और देसी गुड़ होता है, और मज़ेदार है इसका टेस्ट, जब मैं चेक करती हूँ सही खालिश गया गुड़, मैंने कहा इनको ना कावा देती हूँ बना के ना, तो इस आदमी ना ये गुड़ खाएंगे ना खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए जी मैंने ना उनके लिए कावा बनाया है,
क्योंकि खांसी भी कर रहे हैं ना, इसलिए ना मैंने कहा इनके लिए कावा बहुत ज़रूरी है। बस मेरा रेडी हो गया तो उनके लिए ना साथ में ये खाएंगे गुड़ जो कि मैंने मंगवाया है, तो उनके लिए ना रूम में लेकर जाते हैं। और ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त बना है कावे का, तो रूम में चलते हैं इनको पिलाते हैं पहले। नहीं आ जाती पिंक टू कावे पी ना। अच्छा मैं जा ना यार है ना बच्चा तो खान पीना लाया नहीं को बुखार हो गया रात रोटी खाधी इन्हें अंडे ने बड़ा अच्छा बच्चा है जो मामा कहती है वो खा लेता है ना अच्छा पिज्जा खाना चल ठीक है तो मैं बुखार ना पिज्जा आ जाता है या क्या हो गया पिज्जा मैं मम्मा खुद बना देती है ऐसी गुड़ खा के ना खा पियो मेरी जान खांसी से ये थोड़ा बुखार सेट हुए दे खांसी हो रही है ऊपर से पिज्जा भी खाना है ये खा ली से गुड़ है सही मज़ेदार है कावे का मज़ा दुबाला हो गया क्योंकि गुड़ के साथ है ना जी सुबह के लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया जी हमने सुबह ने पिज़्ज़ा ही खाना था तो मामा ने इसके लिए किया ऑर्डर तो पिज़्ज़ा आ गया तो सुबह को जाके दे आते हैं रूम में इंजॉय करता कुछ हो जाएगा ना काका चीज़ा मसाले मसूले लाया जाके चीज़ा लाया अच्छा मुझे खैफ था ये है जी सुबह सुबह तेरा पिज़्ज़ा आ गया ये ले तूने पिज़्ज़ा खाना था ये ले सुबह का बुखार सही हो जाना है अब है ना सही हो जाना बुखार बुखार है या नहीं है नहीं बुखार तो है था बुखार तो है था इसलिए मैं मंगवा के दिया मैंने कहा जो उसका दिल करता है ना मम्मा उसको वही मंगवा के देती है काका हैप्पी हो जाएगा खांसी हो रही है अभी भी है ना ये लो कैचअप ये लेनी है कैचअप कौन सी लेनी है ये ठीक है अभी मैंने इनके लिए ना कढ़ाई बनानी है आज मैं इनके लिए बनाऊँगी चिकन टिक्का कढ़ाई बनाऊँगी मज़ेदार सी जो उनके मुंह सही हो जाएंगे थोड़े थोड़े ना स्पाइसी स्पाइसी ठीक है चले बनाती है मम्मा ये लो यान सामान तो जी फ्रेंड यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा आटा गूंदने के बाद के लिए बनाऊंगी रोटी फिर इनके लिए बनाऊंगी कढ़ाई मज़ेदार सी तो चिकन को मैंने वॉश कर लिया है नमक लगा के रखा हुआ है नमक और सिरका यहाँ पे नमक और सिरका लगा के रख दिया तो जल्दी जल्दी से ना इनके लिए कुछ बनाते हैं मज़ेदार सा तो ये खाना खाते हैं यहाँ पे जी मैं बच्चों के लिए करी हूँ तैयारी यहाँ पे बनाऊंगी मैं चिकन टिक्का कढ़ाई चिकन टिक्का कढ़ाई बनाऊंगी बोटी इनकी ना ये मज़े से खा लेंगे बस मैं ना उसकी तैयारी कर रही हूँ आटा मैंने गूंद के फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर के लिए तो साथ में ही ना उसको बनाऊंगी फिलहाल अरे हाँ जो है ना उसको मसाला वगैरह मैंने मंगवा लिया ना चीज़ें इसको अच्छे से वॉश करते हैं मसालों मसालों को तो फिर इसकी मज़ेदार सी हम रेसिपी बनाते हैं तो बस चीज़ें वगैरह मेरे हाल से आए बस मैं यहाँ पे तैयारी करी करी बैठी हैं बच्चे अंदर और कमरा साहब भी बुखार बड़ा तेज है तो मैंने कहा आप रेस्ट करें तो मैं कर लूँगी बस जल्दी से काम शाम ख़त्म करते फिर आपसे मिलते हैं तो जी फ्रेंड यहाँ पे जी खाना तो बस होने वाला है रेडी यहाँ पे सबको भी खाते हैं यहाँ पे भी इसकी लुक फाइनल है अभी ये हम बना रहे हैं अभी कच्चा है अभी समझो कि ये तैयार हो रही है खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है इसके अंदर से ना बस इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ अच्छे से ना इसको मैंने हल्की आँच पे रखा हुआ है तो जब ये हो जाएगी डन ज़बरदस्त फिर आपको दिखाएंगे जहाँ पे बस मैं रोटी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ आटा मैंने गूंद लिया हुआ था तो बच्चे भी कर रहे हैं वेट है कामर साहब भी अंदर ही है और मैं काम लगी हूँ बस माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है यहाँ पर जी हम बनाने वाले हैं रोटी तो जल्दी से रोटी बना लेते हैं जिस जिसने खानी है तो आ जाए मोस्ट वेलकम आज कामरा मेरे पास रौनक नहीं लग रही ना मेरे साथ कोई बातें नहीं कर रहा जब मैं जल्दी काम करता हूँ ग्रुप के अंदर जाओ
जिसने खानी है तो मोस्ट वेलकम आ जाए मेरी प्यारी फैमिली। मुझे पता है सभी माशाल्लाह बड़े खुश होते हैं हमें देख के और हमें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे जी मैं बनाने वाली हूँ बस रोटी। कल मैंने ज़्यादा बनाई थी, कल जब मैंने व्लॉग एंड कर दिया था ना तो फिर ना कामरान का रिहान का भी तरह था तो मैंने कहा था कि कुछ बना देती हूँ, फिर ये माने नहीं है तो फिर रिहान का भी तरह था कुछ खाने को। तो मैंने फिर रिहान को ना रात को है था 2-3 बजे का टाइम था कि मैंने रोटी बनाई, आटा गूंद की रोटी बनाई, ताज़ा आटा गूंदा रोटी बनाई, साथ में मैंने को ना आमलेट बना के दिए प्याज वाले इधर छत्तर डाल के ना। रात को 3 बजे इन्होंने रोटी खाई, रिहान ने, कामरान ने और मैंने भी। पहले तो कहते कुछ नहीं खाना कुछ नहीं खाना, फिर मैंने कहा कि दवाई मेडिसिन वगैरह खानी है तो रोटी कुछ खाएंगे तो पीनी है ना। फिर मैंने इनको बनाते दिया, बस अब मेरी रोटी यहाँ पर बच जानी है जल्दी जल्दी से। तो जी फ्रेंड फाइनली खाना रेडी है और यहाँ पे जी जनाब साहब कामरान साहब बैठे हुए हैं। यहाँ पे यान है जनाब कामरान साहब, बहुत तेज़ बुखार था फिर मैंने ना इनको जगाया ही नहीं, मैंने कहा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे सोचेंगे तो इनको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जी बच्चे बैठ के खाना खाने वाले हैं, जिसने पिज़्ज़ा मंगवाया था वो पिज़्ज़ा खा के सो गया, इसने पिज़्ज़ा इसने और कुछ भी नहीं खाना था, इसने बस कहा था कि उन्हें पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने कहा कि मैं जब बनाने लगी तो फिर टाइम लग जाएगा तो इसी को जल्दी से बना के दे दूँगी ताकि वो खा ले। तो रिहान बेटा डालो अपनी मर्ज़ी से जो जो सा भी खाना ना ये पकड़ो और डालो और खाओ, जो जो सा दिल करता है वो डाल के खाएं। तो जी फ्रेंड्स सभी बैठ के माशाल्लाह फैमिली के साथ खा रहे हैं खाना और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पर जहाँ मैं भी डालने वाली हूँ अपने लिए, मज़ेदार है वैसे। मैंने कहा था जो जो आपका दिल करता है बच्चों तो वो खाएं। तो यहाँ पे जी मैं टेस्ट करने वाली हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बहुत ही मज़ेदार है लग रहा है और उसकी जो लुक है ना वो बहुत मज़ेदार लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी। यार कैसा बना? बहुत ही बना मज़ा। सुबह ना खाना खा लिया, मम्मी बड़ा मज़े का बनाया। भूख नहीं है। तो पिज़्ज़ा किन्ने खाधा? बुखार तेज तो नहीं हो गया कहीं? बड़ा बुरा रिहान ने भी साला छोड़ दिया थोड़ा थोड़ा थोड़ी मैं कह रही मैंने इतना मजेदार खाना बनाया लेकिन इनको इनके अंदर गया ही नहीं है कि थोड़ी थोड़ी खाना खाया इन्होंने, कहा कि मम्मा बस फिर रोटियां बची हैं, बहुत तरह रोटियां तो सानू खिलावी देखियो दिखाना मुँह मेरा कि सोना मुँह तेरा कटिंग किसने कराई है? मुझे बाल बड़ी खा ओए बाल है कटने लगते हैं आगे से पता है किसने बाल बड़ी बोला बड़ी स्टाइलिश बाल था इस तरह रुशी के नहीं क्या ला अभी आपको मेडिसिन देनी है मैंने इस तरह कटिंग वाला इस तरह कटिंग का आ रहा था सुबह एक ने वाला चेक कराऊं नहीं क्यों बिल्कुल नहीं मैं कुछ नहीं खाना मैं सोना चाय बनाने वाली मैं नहीं थोड़ी सी मैं नहीं ना बताना नहीं थोड़ी सी नहीं पता तेरा रिहान के हाँ ये मैं और रिहान और कामरान तीनों पियेंगे थोड़ी सी आधा कप यहाँ पे जी मैंने बर्तन को जल्दी जल्दी से कर दिया वॉश और मैं हो गई फारग। सिर्फ अब हमने बनानी है यहाँ पे चाय, बच्चे कहते हमने नहीं पीनी लेकिन मैंने कहा मैंने बनानी है, जिस जिसने पीनी है पी ले, जिस जिसने नहीं पीनी ना पिए। यहाँ पे जी बच्चों का फूड रेडी कर दी, यहाँ पे कामरा की मलाई रेडी कर दी है, यहाँ पे मिठाई के पीस है और यहाँ पे जी बस काम ख़त्म, बर्तन मैंने वॉश कर दिए
सारा काम हो गया खत्म, बस मैं भी अब आराम सुकून से अंदर जाके बैठूंगी, कामरा का सर दबाऊंगी, मेडिसिन दूंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और मैं ना व्लॉग देख रही थी अपनी प्यारी सिस्टर का बुशरा अदनान का, और माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली है, और माशाल्लाह जन्नत बहुत प्यारी, बहुत क्यूट बच्ची है। हैप्पी बर्थडे टू यू, माशाल्लाह गिफ्ट अनबॉक्स किए थे तो मैं गिफ्ट देख रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारे गिफ्ट है। और माशाल्लाह से मेरी प्यारी बेटी को अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मुझे एड्रेस भेजिए अपना, मैं अपनी बेटी को प्यारा सा गिफ्ट भेजूँगी बर्थडे का। और माशाल्लाह से बहुत बहुत क्यूट बच्चे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं देख रही थी दाल माश चिकन बनाई हुई थी, मज़े की थी, और चिकन पुलाव बनाया हुआ था, चिकन टिक्का पुलाव, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार था, माशाल्लाह वेरी जूसी जूसी था बना हुआ, जूसी जूसी मज़ा आता है। और आप हमारी बातें कर रही थी, मैं सुन रही थी वो लोग, माशाल्लाह मैं और कामरान हम दोनों देख रहे थे जान सुबह के आई जी से ना, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो देख रहे थे, मैं भी साथ में देखना शुरू हो गई। माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता और मुस्कराता खुश हो बाद हंसता है, खुश खुश रखे माशाल्लाह, इसी तरह जिस तरह हम खुश रहते हैं ना, तो इसी तरह आप भी खुश रहें, बाद हंसते रहे मुस्कराते रहे। बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह ना, खाने बहुत अच्छे, ज़्यादातर तो ना खाने जो है ना अदनान भाई बनाते हैं, मेरी प्यारी आप सिस्टर भी बनाती है, सिस्टर ने एक दिन पुलाव बनाया था चिकन पुलाव, और ज़्यादातर भाई ही बनाते हैं मेरे ख्याल से खाना, तो माशाल्लाह अच्छा बनाते हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, रोटियाँ भी अच्छी बन रही थी, दाल माश दाल चिकन माश के साथ रोटी भी बड़ी अच्छी बनी थी मेरी प्यारी सिस्टर ने, माशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसे हंसता और मुस्कुराता रखे। आज मेरे साथ जिस जिसने पीनी है चाय, और मेरी चाय हो गई है रेडी, चाय मैं ऐसे करती हूँ बार बार आँच तेज और कम करती हूँ, फिर बड़ी मज़ेदार सी मेरी चाय हो जाती है रेडी, तो बस चाय रेडी है, तो बस हम इसको कप में डालेंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे नीचे, पत्ती बैठ जाएगी, फिर हम कामना के कप में चाय डालेंगे, मज़ेदार सी चाय। हूँ दाई भी खानी पिज्ज़ा खाधा सी ना दवाई खाओ तुम भी, दवाई खा के ना तो मज़ेदार सी चाय पियो, पता दवाई ने सिरे दो चम्मच ने सिरे में दो चम्मच पीने, तुम्हारे सिरे पर दो चम्मच पिलाने ये वाली आ जा फिर गई तेरी हाँ ऐसी ये वाली टूट टूट शाबाश ये दी तेरी है मुझे पता है। सारे अपनी अपनी मेडिसिन खाएंगे ना तो फिर ये सुकून से सोएंगे तो मुझे भी सुकून हो जाएगा, इन्होंने मेडिसिन खा ली है, मुझे मुंह में नहीं डाल दी ना, अभी डालता तो अभी खा खा दे है कि नहीं ठीक है तेरी बारी भी, तू भी तैयार हो जा, पहले एक पहले बाद दूसरी खाई, पहले एक ही खा उसके ऊपर से पानी पी, थोड़ा पानी पी और भी खानी है अभी, हाँ खा बाहर आंदी है चल चल अपने कट पीजे वाली कोई ड्रामा नहीं आया, चल अब खा 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 मेरा बेटा अभी अभी मैंने भी मेडिसिन खानी है लेकिन मैं खाऊंगी राम स्कूल से, इनकी जरा देख लेंगी मेरा भी काम करा के बाहर आ गई तो जल्दी जल्दी बस ये ठीक हो जाए ना तो बस मैं मुझे भी सुकून हो जाए। चलो जी चाय पियो, माशाल्लाह सबको अपना अपना हो गया, हाँ चाय पी के सुकून हो गया। यहाँ पे मैं कमेंट पा रही थी फलाह इमरान के, वो कह रही है क्या पिया, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही है, थैंक यू फलाह इमरान, मेरी प्यारी सिस्टर और मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशोबाद हंसता और मुस्कुराता रखे, थैंक यू तर्क बट आपकी आपके प्यार का और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत प्यारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारा प्यार आता है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच आपके प्यार का और मोहब्बत का। यहाँ पर जी कमेंट आया था कुवैती का और नाम कोई नहीं है उनका, तो ये उन्होंने बोला भाजी नाइस कपल जी, अपना नाम भी लिखा करें भाई, मुझे पता हो कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका क्या नाम है, मुझे भी अच्छा लगेगा माशाल्लाह। बस ना अभी के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारी दवाई दी हैं, बहुत सारा प्यार दिया हुआ अल्लाह पाक ने सभी को, ऐसे ही हंसता और मुस्कराता खुश हो बाद रखे। तो जी फ्रेंड यहाँ पे जो भी एक्टिविटी आपके साथ शेयर की है अल्लाह पाक
अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल पर जल्दी से कर दे सब। अगर मेरे आज अच्छा जी यहाँ मैंने सामान मेडिसिन खा ली है, सामान हो गया फ्री। आज ये सामान जो है ना मतलब कि बोलेगा बोलेगा है ना, अभी सामान बोलने वाला ही है, लेकिन अपनी जगह पर नहीं जा रहा कि यहाँ पे ही इस डे सोना है हमारे साथ ही। अच्छा तुम्हारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल लगे नियम को जरूर दबाने जो मन मिलेगा, बस आती रहे आती रहे। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज, लव यू, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा, बाय, अल्लाह हाफिज, सुबह मिलेंगे सुबह नहीं गुड मॉर्निंग के साथ।